नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अंशुली सिंह। रूस यूक्रेन की जो जंग है वो बहुत ज्यादा तेज इस समय होती जा रही है। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से वो हमला किया है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि फरवरी 2022 के बाद से ही ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला इस समय माना जा रहा है। और चूंकि ये जो हमला इस बार किया गया है यूक्रेन के ऊपर रूस ने, उसमें ये अब कहते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है, और वो कहीं ना कहीं नेटो देशों के सामने गिड़गिड़ाते हुए या यूं कहें कि मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार जो ये हमला हुआ है रूस की ओर से, उसमें 50 लोग मारे गए हैं और तकरीबन तमाम ऐसे लोग हैं जो इस समय घायल माने जा रहे हैं, सैकड़ों लोग इस समय घायल हैं। वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमको मदद की जरूरत है, क्योंकि 2 बैलिस्टिक मिसाइल इस बार यूक्रेन की ओर से गिराई गई, माफ कीजिए, रूस की ओर से गिराई गई हैं, जो कि यूक्रेन के लिए एक बड़ा हमला माना जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि क्या नेटो देश, जो कि पहले से ही नेटो ऑलरेडी यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए यूक्रेन के पास, तभी ये रूस की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो अटैक होता है उसको सपोर्ट कर सकता है या उसको खत्म कर सकता है। हमारे साथ साहिल मौजूद हैं, बातचीत हम उनसे करेंगे और समझेंगे कि जो इस बार ये हमला हुआ है, जो कि 2022 के बाद से ये जो हमला है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला साहिल माना जा रहा है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल रूस गिरा देता है, यूक्रेन की तरफ से मांग की जाती है कि अब इसको खत्म किया जाए, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कैसे इसको काउंटर करने की कोशिश की जाएगी? क्या यूक्रेन के पास अभी तक जो नेटो देशों से मदद मिली है, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो क्या आगे और मदद मिलेगी? बिल्कुल, इसमें मदद मिल सकती है। और एक बात समझने वाली है कि 6 अगस्त को यूक्रेन ने एक अटैक किया था रूस के ऊपर। अब इस अटैक को यूक्रेन का सबसे बड़ा अटैक कहा गया था, क्योंकि रशिया पर अभी तक ऐसा कोई भी अटैक वर्ल्ड वॉर के बाद से नहीं हुआ था। इस अटैक के बाद हुआ ये कि यूक्रेन ने रूसी एरिया को, कुछ एरिया को कवर कर लिया। अभी तक हम जंग में यही देख रहे थे कि रूस यूक्रेन की कुछ ज़मीन पर कब्जा करता जा रहा था, मगर अब लगातार ये हुआ, इस अटैक के बाद ये हुआ, यूक्रेन के पास भी कुछ कब्जे में कुछ लैंड रशिया का आ गया। अब इस हमले के बाद हुआ ये है कि यूक्रेन पर कहीं ना कहीं प्रेशर बना है, इस वजह से यूक्रेन अब लगातार इस बात को कह रहा है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमें वो चाहिए ताकि हम इन पे दोबारा अटैक कर सकें। तो कहीं ना कहीं हाँ, अमेरिका के ऊपर इस पे दबाव बन सकता है कि अमेरिका किसी किस तरीके से अब हेल्प करता है यूक्रेन। बिल्कुल, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि चूँकि पोलैंड की भी अब इसमें एंट्री हो गई, हालांकि 1.5 महीने से ये चल रहा है कि पोलैंड की इसमें एंट्री हुई है, और पोलैंड इस समय अगर देखा जाए तो GDP का 4% जो है वो रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है, यानी कि अब तक की उसकी सबसे ज़्यादा जो मिसाइल रहती है वो पोलैंड की तरफ से ही, अगर यूक्रेन को अगर मदद दी जाती है तो पोलैंड की तरफ से अगर दी जाती है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर हमले होते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम इस समय यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो रूस को कहीं ना कहीं हरा भी सकता है या उसको रोक सकता है। तो ऐसे में पोलैंड का किस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखिए, ये बात समझने वाली कि पोलैंड और यूक्रेन में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अभी पीएम मोदी जब गए भी थे तो उन्होंने पोलैंड में हॉल्ट करके उसके बाद वो यूक्रेन गए थे, तो कहीं ना कहीं जो पोलैंड है और यूक्रेन है दोनों काफी पास पास हैं, तो इस वजह से पोलैंड कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभा सकता है इस एरिया में। अब जो जब ये रूस ने ये हमला किया है तो पोलैंड ने क्या किया है, पोलैंड ने जो उनकी एयर स्पेस है उसमें अब जेट स्पेसेस की, जो जिनके जेट्स हैं उनकी गश्त बढ़ा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि पोलैंड पर रशिया हमला कर सकता है, क्योंकि पोलैंड लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान भी दे रहा है कि किसी तरह नेटो में शामिल हो सके यूक्रेन, क्योंकि पूरी जंग ही इस बात को लेकर शुरू हुई थी कि यूक्रेन ने कहा था कि उसको नेटो में शामिल होना है, रूस ने सीधी चेतावनी दी थी कि अगर आप नेटो में शामिल होते हैं तो हम आप पर अटैक कर देंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पोलैंड अब इस पे आगे कदम उठा सकता है, और कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है कि पूरी तरीके से पोलैंड इसमें उतर सकता है। बिल्कुल, इससे पहले अगर हम अगस्त की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूक्रेन का दौरा उनका रहा, रूस का दौरा उनका रहा, हालांकि उसके जब उनके दौरे उस दौरान रहे, पुतिन से भी उन्होंने मुलाकात की, ज़ेलेंस्की से भी उनकी बातचीत हुई, तो हमें ये लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो रूस यूक्रेन की जो जंग है, जो अब तक इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दी, या फिर बीच में कोई समझौता हो सकता है या फिर इसे बंद किया जा सकता है। लेकिन ये किसी को शायद अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद में रूस इस तरीके से ऐसे कदम उठाएगा कि फरवरी 2022 के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर कर देगा। बिल्कुल, और एक बात और ध्यान देने वाली है इसमें कि जितने भी हमले रशिया पर या रूस पर हो रहे हैं, इन किसी भी हमलों में कभी भी जो पुतिन है वो अपने देश में मौजूद नहीं है, पुतिन
हमेशा से दूसरे देशों की यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर पूरे विश्व पे एक दबाव बना सकते हैं कि देखिए हम इन पर सीधा अटैक, हमने पहले अटैक नहीं किया, यूक्रेन हम पर हमला कर रहा था जिसके जवाब में हमने हमला किया है। और जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला किया था, यूक्रेन ने क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला किया था रूस के ऊपर, जिसके बाद तकरीबन 1150 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने अपने अंडर ले लिया था, जिसके बाद क्या हुआ है कि रूस पर एक प्रेशर बना है। हालांकि रूस बहुत बड़ा है और इतना कुछ ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, मगर अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि ज़ेलेंस्की अपनी मिलिट्री को कहे कि वो उस एरिया को आगे बढ़ाए और आगे बढ़े। ऐसे में होगा ये जो चैनल्स होते हैं, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, युद्ध हमेशा लॉजिस्टिक्स पे लड़ा जाता है, और जब युद्ध लॉजिस्टिक्स पे लड़ा जाता है तो ऐसे में हथियार भी आने हैं, गाड़ियां आनी है, एम्यूनेशन पहुंचना है। तो इस केस में हो सकता है कि रशिया चाहे कि हाँ यूक्रेन और आगे बढ़े, और किसी तरीके से जो वो बफर जोन बनाया जा रहा है उसको किसी तरीके से बंद कर दिया जाए, कि जितना अंदर यूक्रेन आता जाएगा, जितना आगे बढ़ता जाएगा यूक्रेन, उतना ही उसके चैनल्स वीक होते जाएंगे और उतना कहीं ना कहीं रूस को उसमें फायदा मिल सकता है। बिल्कुल। और चूंकि रूस की तरफ से हालांकि ये जरूर कहा जाता रहा है कि उसका सिर्फ जो हमला होता है वो या तो सैन्य ठिकानों पर होता है या फिर हॉस्पिटल्स में या फिर इनमें अलग अलग जगहों पर रहता है, बंकरों पर हमला किया जाता है, लेकिन वो नागरिकों पर हमला नहीं करता है। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि तमाम नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। पोल्टावा शहर पर जो हमला हुआ था उसमें भी 50 लोग जो है वो मारे गए थे, सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए हैं। लेकिन अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि नेटो देशों से पोलैंड को मदद मिल सकती है, क्या पोलैंड को मदद इसमें मिलेगी या फिर पोलैंड खुद यहाँ पर यूक्रेन की मदद करता हुआ दिखाई देगा? हालांकि वो हमें देखने वाली बात होगी, लेकिन रूस यूक्रेन की ये जो जंग है वो बहुत ज्यादा तेज इस समय होती जा रही है। बिल्कुल, युद्ध तेज होता जा रहा है। और एक बात और है कि जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये है कि रूस ने ये कहा है कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है हम उन पर अटैक नहीं करेंगे, मगर सीधा विदेश मंत्री ने ये बात करके क्लियर कर दी है कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाता है और कंट्रीज द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं हम न्यूक्लियर वेपन को एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं और हम वो अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अटैक होगा या आने वाले समय में क्या रूस की जो हरकत है वो इस तरीके से ही हमें देखने को मिलेगी, जिस तरीके से इस बार हमें हरकत देखने को मिली है, जो इस वक्त तक सबसे बड़ा अटैक जो है वो किया गया है? हालांकि देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बाकी की खबरों के लिए आप न्यूज़ स्टेट को देख सकते हैं और कुछ और वीडियोज़ के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।